भाई इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना इस ट्रेन की वजह से, अब क्या बताऊँ। देखो कहाँ तक यार, अब रोना आ रहा है इसमें यार। तो गाइस अभी नीचे गए हुए थे सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेने के लिए, एंड ये है सीटी स्कैन की रिपोर्ट। खाए पिए रहो आराम से यार। मतलब ये इतना मस्त बना है यार अंदर तक, तो देखो मतलब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हमें हरदोई रेलवे स्टेशन पे सामने देख सकते हैं आप, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हैं। एक्चुअली हम जा रहे हैं लखनऊ, एक इमरजेंसी हो गई है बहुत बड़ी सी। अब क्या बताएं यार, वो आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, अब जब मैं लखनऊ में रहता था तो एक लड़का था छोटा सा, कभी कभी मेरे ब्लॉग में आया करता था, सिंजो नाम था उसका। तो कल रात ना उसका एक्सीडेंट हो गया 11:30 बजे, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, उसके सिर में चोट लगी है। तो इस समय ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, तो यार बहुत सीरियस है वो, तो उसी को देखने जा रहे हैं। एंड यार क्या बताएं यार, बस ठीक हो जाए जल्दी से आप लोग। रात भर सो नहीं पाए उसकी टेंशन में यार, इतना मतलब क्यूट बच्चा है वो, इतना प्यारा सा है, और मतलब हादसा हो गया उसके साथ इस तरीके से। तो ऐसा कुछ नहीं, हमको जाना पड़ रहा है लखनऊ, अभी ट्रेन आ रही है और पूरा 1 घंटा लेट है यार, 7 बजे आएगी ट्रेन, तो इस चक्कर में काफ़ी हमको यहाँ वेट करना पड़ रहा है, और अब क्या कर सकते हैं, लो देखते हैं कब तक आती है ट्रेन। तो अभी ट्रेन तो अनाउंस हो रही है, तब तक आप ये वाली क्लिप देख लीजिए जो मेरा व्लॉग है उसके साथ। अभी मैं वहाँ अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है, ये देखिए छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बेबी, इधर हाय करो, हाय। ये मेरा दोस्त जा रहा है मेरे साथ फिनिक्स प्लाजा घूमने के लिए। अपना नाम बताओ। सिंजो। चलो फिलहाल आ गई ट्रेन, अब बैठते हैं यार, सीट लेते हैं पहले, काफ़ी भीड़ हो गई यहाँ पे। भाई ये हमारी इंडियन रेलवे की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है यार, मतलब हमने ये दूसरी ट्रेन चेंज की है आलमनगर में, जिस ट्रेन से हम आए थे वहाँ पे हिली नहीं रही थी बिल्कुल। हमको मतलब आज हमको जल्दी पहुँचना था लखनऊ, और उसके चक्कर में हमको 2 घंटा एक्स्ट्रा लेट हो गया। मतलब यार ऐसा नहीं होना चाहिए फ़िलहाल, तो इतना टाइम लग गया यार हमको, मतलब हरदोई से लखनऊ आने में लगभग 3.5 घंटे हो गए हैं, और अभी देखो उसको यहाँ पर खड़ा कर दिया। भाई इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना इस ट्रेन की वजह से, अब क्या बताऊँ। देखो कहाँ तक यार, सब लोग बाहर ही खड़े हैं, और हमको बहुत जल्दी पहुँचना था लखनऊ बट पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसके चक्कर में यार मतलब दूसरी ट्रेन चेंज की हमने, इधर से उधर आए, सोचा इससे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखो यार कब चलती है, फ़िलहाल तो रेड है सामने सिग्नल, बहुत यार मतलब रोना आ रहा है इसमें यार, इतना लेट हो गया यार। चलो भाई बड़ी मुश्किल के बाद तो हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे उतर पाए हैं, फाइनली ट्रेन आ गई, और इतना दुखी कर लिया इसने बता नहीं सकते हैं। फिलहाल अभी ज़मीन के अंदर है हम, चारबाग में जो ज़मीन के अंदर बना है, अंदर जाने के लिए रास्ता तो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 आ रहा है यहाँ पे, और फटाक से एग्जिट होते हैं, पहुँचते हैं डेंटल हॉस्पिटल, वहाँ जाना है हमको। यार सही में यार, ज़िंदगी में पहली बार इतना लेट हुए हैं ट्रेन से, इतने सालों से आते जाते हुए, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया यहाँ पे, पहले ऐसा नहीं था। भाई शूटिंग चल रही है यहाँ, कैमरा तो कितना बड़ा है यहाँ पे, वो देखो शूटिंग चल रही है। चलो हमको ये नहीं देखना है फिलहाल, तो फिलहाल यहाँ पहुँच गए हैं, हमको यहीं आना था डेंटल के पास, और अंदर चलते हैं अब यार, देखते हैं बच्चे को यार बड़ी। तो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई इसकी, मुझसे तो यार देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल, इसलिए मैंने कुछ फोटो वगैरह ली नहीं, तो अब देखो यार मतलब किस कंडीशन में है। तो गाइस अभी नीचे गए हुए थे सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेने के लिए, एंड ये है सीटी स्कैन की रिपोर्ट, और भगवान की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है भाई, काफ़ी अच्छा लगा देख के यार कि रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ मतलब भयंकर सिचुएशन नहीं है उस तरीके से जो भी हो जाती है ट्रामा वगैरह में या ब्रेन हेमरेज में। तो ये और अब चलना है पूरा ट्रीटमेंट, जो कि इसको डॉक्टर अभी रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट चलाएँगे, और यहाँ पे 3rd फ्लोर में है डेंटल पे, तो काफ़ी ऊपर आना पड़ता है चलने के लिए, बाकी सन्नाटा है पूरा, कोई है भी नहीं यहाँ पर हमारे अलावा। वैसे बना काफ़ी अच्छा है ये वाला हॉस्पिटल डेंटल, जो कि ओपी चौधरी है यहाँ पर, ये कौन सा रोड है, रायबरेली रोड है मेरे ख्याल से, तो उस पर ये बना है, काफ़ी अच्छा बनाया है, एंड बच्चे में काफ़ी इंप्रूवमेंट है काफी। अभी लगभग उसके पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, बट वो घाव बहुत गहरे हैं ना सिर में, तो उसका इनका इलाज होगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और अब ब्लॉगिंग करते हुए थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और भाई ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है यहाँ पे,
बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टाइम हो रहा है अभी 4 बजे, मतलब 3:50 हुआ है, तो ऐसा कोई टाइम हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए भाई, यहाँ पे मेरे साथ कौन है? सोनू आया हमसे मिलने तो हमने इनको बुला लिया था हमें मिलने के लिए, तो यहीं पास में थे तो आ गए। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने। चलो चलते हैं उधर ऑफिस तरह, चलो बाय बाय, फिर आएंगे यार जल्दी यहाँ पे। बस वो ठीक हो जल्दी से यार, छोटा सा अच्छा है। लखनऊ में और ट्रैफिक में रुकना ना पड़े तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, मतलब हर जगह पे आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। और ये एक सिग्नल लाइट फिलहाल तो भी ग्रीन हो चुकी थी, हम लोग निकला है और फिर से रेड होने वाली है, तो हम लोग भगा रहे हैं। ये देखो भंडारा चल रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑफिस है। यहाँ पे हमने 7 महीने बिताए गाइस, 7 महीने बहुत होते हैं, और यहाँ पे चल रहा है भंडारा। अरे कहाँ भाई, ये देखो आवासीय पब्लिक इंटर कॉलेज, ये आप देखो आया नज़ारा जब बालकनी में खड़े हुए जगह करते थे। और भाई ये पार्क कैसे भूल सकते हैं, इसके साथ तो बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। फिलहाल तो घास थोड़ी कम हो गई है यहाँ पे, हाँ दोपहर का लंच यहीं पर होता था बस, टहल टहल के खाना खाने के बाद सीधे यहीं निकला खड़े हो। नहीं बस से जाएंगे, बस से डायरेक्ट चलो, कब मुलाकात होगी जब बताओ यार। हम आपके आएंगे, जल्दी आएंगे, संडे को आएंगे छोटी को भी लेकर आएंगे। चलो ठीक ठीक है, चलते हैं, जाओ आराम से निकल जाओ, आओ खाए पिए रहो आराम से यार। चलो ठीक ठीक ओके बाय। बड़ा अच्छा लगा यार सोनू से मिलकर बड़े दिनों के बाद। चलो भाई बैठ गए 4 बजे के लिए, ये काफ़ी अच्छा रहा, आराम से मिल गई और जल्दी पहुंचा देगा मेरे ख्याल से। ये रहा भाई अपना 4 बाग, जो कि सुबह हम यहीं आए थे, और इतना घटिया एक्सपीरियंस रहा आज रेलवे का बता नहीं सकते। मतलब हमको इमरजेंसी में जल्दी पहुंचना था और हम लेट ही हो गए यार। चलो अब सीधा पहुंचते हैं केसर बाग, वहाँ से बस पकड़ते हैं। तो गाइस अब आ गए हैं केसर बाग बस स्टैंड पे भैया देखिए, और हमको पकड़नी है भरदोई के लिए, सॉरी संडीला के लिए बस। संडीला से हम जाएंगे अपने जीजू के साथ, क्योंकि हमारा वहाँ वेट कर रहे होंगे, तो उनके साथ बाइक से निकल जाएंगे। ये काफ़ी सही रहेगा मेरे लिए, और हमको बहुत ज़्यादा नींद आएगी क्योंकि रात भर हम सो नहीं पाए हैं, क्योंकि रात में मेरे पास कॉल आई थी ना एक्सीडेंट वाली, तो इसलिए हम रात भर सो नहीं पाए थे। और ये पता नहीं कहाँ जाएगी, इससे पूछते हैं अभी। चलो फिलहाल आगे की सीट मिल गई है हमको, काफ़ी सही रहेगा, और हमको पानी पीना है यार। मतलब ये इतना मस्त बना है यार अंदर तक देखो, मतलब इसमें हमेशा ऐसी भीड़ रहती है। हाँ रुक गए रुक गए रुक गए रुक भाई, तो कितने गलत टाइम पे अस्मित की कॉल आ गई मेरे पास यार, ये देखो। और ये अभी जो रूमी गेट है ना, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में यार। हमने आज तक कभी यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो नहीं खिंचाई, देखो तांगे के चल रहे हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के, बट कभी यहाँ पे फ़ोटो जरूर खिंचाएंगे तो मस्त लगता है यार। बस ख़राब हो गई है रोडवेज जहाँ पे, और उनकी जो सवारियाँ हैं इस वाली बस में आ रही हैं, देख लो भाई अब इस बस का क्या हाल होने वाला है, इतनी भर जाएगी ये। संडीला तो पहुँच गए यार, हमको काफ़ी ज़्यादा नींद लग रही है, पता नहीं हम आगे शूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और आगे ना हमको ट्रैवल करना है बाइक से, इसके आगे ये क्या है भाई, तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई अपना दुबग्गा से संडीला के लिए ये वाली बसें भी चलने लगी हैं, ए सी वाली जो कि इलेक्ट्रिक होती हैं, तो काफ़ी सेफ और अच्छी मतलब टाइमली आपको पहुंचा देती हैं यार एक तरीके से देखा जाए तो। तो भाई कोशिश करें आप लोग दुबग्गा से जब भी आएँ संडीला के लिए तो इसी बस से आएँ यार, हम तो केसर बाग से आए थे तो हमको मिली नहीं, और अभी ना हम निकल रहे हैं यहाँ से, काफ़ी लंबी राइड है अभी, पता नहीं कब घर पहुँचेंगे, तो देखते हैं गाइस बने रहिए। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:10, आप देख सकते हैं, एंड अभी हम घर आ चुके हैं, एंड मोटरसाइकिल पर बैठ के पूरी हालत ख़राब हो चुकी है यार, काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब कमर में दर्द हो गया एक तरीके से। आज का ना व्लॉग मतलब बनाने की पूरी इच्छा नहीं थी, बट सोचा कि यार बनाते हैं वरना जो हमारा चल रहा है वो फ्लो टूट जाएगा, तो इसलिए हमने बनाया यार। तो अभी एंड करते हैं इस व्लॉग को, एंड लाइक कमेंट शेयर आपको जो भी करना हो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बस बस बस।